गुजरात राज्य में दुष्कर्म की घटनाओं में उछाड़ो आव्यो छे। रोज एक नवी घटना राज्य की कायदा अने व्यवस्था की स्थिति पर सवालों उभा करे छे। त्यारे राज्य में सतत सूरत में आसेना मांगरोल में आज एटले के 9 ऑक्टोबर ना रोज बनेली घटना ने लई कांग्रेस राज्य सरकार पर प्रहारों कर्या छे। त्यारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस ना प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोषी द्वारा भाजप अने गुजरात ना गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी पर प्रहारों करवामां आव्या छे। वधुमां कांग्रेस ना नेता शक्तिसिंह गोहिले सोशियल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ट्वीट करी प्रश्न पूछता जणाव्यु हतुं के नवरात्रि में देवी स्वरूप बाळाओने दुष्कर्मी दानवोथी कोण बचावशे। गुजरात में सतत कायदा व्यवस्था की कथती जती स्थिति दुष्कर्म की घटना नवरात्रि पावन पर्व में छेला 15 दिवस की अंदर 8 थी वधु सामूहिक दुष्कर्म और दुष्कर्म की घटना में मासूम दीकरी ने पीखी नाखनारों ने क्यारे सजा मळशे। ये पछी मांडवी नी अंदर आश्रमशाला नी अंदर दीकरी साथे नी घटनाक्रम होय 35 जेटली विद्यार्थी नी साथे दाहोद नी घटना होय या प्रिंसिपाल ज पोते होय वडोदरा नी घटना होय के पछी धांगधरा नी घटना होय आजे फरी मांगरोळ मां बनेली घटना होय आ बधी घटना थी स्पष्ट देखाय छे के भाजपा ना भ्रष्ट शासको जे गृह विभाग भ्रष्टाचार नुं एपी सेंटर छे कायदो व्यवस्था ना नामे वातो तो मोटी मोटी करे छे पण हकीकत मां गृह विभाग લોકોને સલામતી આપવામાં ખાસ કરીને દીકરીઓને સલામતી આપવામાં સદંતર નિષ્ફળ ગયું છે। ત્યારે મારી આપના માધ્યમથી સીધી માંગ છે કે ગૃહ વિભાગમાં થોડી પણ શરમ હોય તો તાત્કાલિકપણે શેખી મારવાને બદલે સખત પગલાં ભરે, અસામાજિક તત્વો ઉપર એવા પગલાં ભરે, એવો ડર ઉભો કરે કે જેથી કરીને જનતાને સુરક્ષા મળે। ભાજપાએ વાતો કરી હતી સલામત ગુજરાતની, પણ અત્યારે સૌથી વધુ બેઠી અસલામતીની ભાવના અનુભવી રહી છે। ત્યારે ગૃહ રાજ્યમંત્રીશ્રી પોતે પણ આ બાબતની બહુ જાહેરાતો કરવાને બદલે હકીકત લક્ષી નક્કર કામગીરી કરે તો જ ગુજરાતની બેન દીકરીઓને સલામતી મળશે અને અહેસાસ થશે।